हेलो फ्रेंड्स, मु नरसिंह। मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपन समस्त को स्वागत जनाउछि। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा ओटीटी एग्जाम 2023 पाई किछि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन उपरे। ये होछि मॉक टेस्ट नंबर 3। एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ए सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसितला, जहाके एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखने आपने के स्कोर रखुच्च आउट ऑफ 50। फर्स्ट क्वेश्चन सहित आम डिस्कशन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सिटी हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द मंथ ऑफ जून। से कौन जून मासरे कौ सिटीटा सिटी रे सब लॉन्गेस्ट डे हुए, कौ शहर रे दिनटा सब बड़ हुए जून मंथ से पचार। तो चार्ट ऑप्शन रही बेंगालुरु, भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली। ये क्वेश्चन आप 2021 ओटीटी एग्जाम आसी। तो ये आमर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता सिटी जून मासरे सबुठ लॉन्गेस्ट डे होची कौ सहर ना कोलकाता सिटी। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। जो मैंने सी टिक कर एक मार्क एड करे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ टू ट्रिब्यूटरीज। से कौच जे आमर जो रही निम्नलिखित मध्य क्यों दुईटी उपनदीर मिलन स्थल सृष्टि गोटे नदी, या भितर कौ नदीटा दुईटा उपनदी मिसिकी सृष्टि से पचार। दुईटा उपनदी मिसिकी क्यों नदीटा सृष्टि। चारिटा ऑप्शन रही बैतरणी, ब्राह्मणी, बुढ़ाबलंग, सुवर्णरेखा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी रिवर। आमर ब्राह्मणी रिवरटा शंख नदी एवं शंख नदी एवं साउथ कोएल नदी मिसिकी ब्राह्मणी नदी है। तो शंख नदी और साउथ कोएल ए दुटा उपनदी मिसिकी ब्राह्मणी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, ब्राह्मणी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू डिड विल्ड द हज खास ऑफ दिल्ली। से कौन दिल्ली रो हज खास को किए तैयारी कर, दिल्ली रो हज खास किए निर्माण कर, दिल्ली रो हज खास किए निर्माण कर, निर्माण कर किए अलाउद्दीन खिलजी निर्माण कर। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ रेफरेन्स टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइंड। से कौचे निम्नोक्त मध्य क्यों स्थान द्राघिमा भित्तिर भारतीय प्रमाण समय को निर्णय करा जाए छे। तो यहाँ आमर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत थर पचार अन्न्य आमर एग्जाम जिके सेक्शन में पचारूँ। तो यहाँ आम ओटीटी एग्जाम आसी 2021 मसीह। तो आमर करेक्ट आंसर हूँ मिर्जापुर जो सहर रही सहर द्राघिमा भितर भारतीय प्रमाण समय को निर्णय करा जाए छी। आमर जो रही 82.5 डिग्री, आमर जो रही 82.5 डिग्री द्राघिमा सेटा मिर्जापुर सेटा को आमर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हिसाब से निर्णय करा जाए छी। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई, हु वाज कॉल्ड पात्र सामंत ड्यूरींग द गंग रूल इन ओडिशा। ओडिशा रे जिते बड़े गंग वंश शासन करुले से समय रे पात्र सामंत बोली कहा को कहा जाऊला। तो ओडिशा रे जिते बड़े गंग साम्राज्य चली गंग वंश राजत्व करुले से समय रे पात्र सामंत क्या कहते ना मिनिस्टर को कहते मंत्री को कहते पात्र सामंत बोली कहते। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर, मिनिस्टर। नेक्स्ट रही व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट एडजेसेंट टू द ओडिशा कोस्ट। से कौचि ओडिशा उपकूल रे कोटा कौ डिस्ट्रिक्ट ना से पचार, ओडिशा उपकूलवर्ती डिस्ट्रिक्ट कोटा नुहे से पचार। तो आमर जगत सिंहपुर, केन्द्रापड़ा एंड भद्रक ए तीन टा तक ओडिशा रो कोस्टल एरिया कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अटे, किंतु जाजपुर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट नुह। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जाजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन इज द आंडीज माउंटेन रेंज। से कौन आंडीज पर्वतमाला कौ टाइप रो पर्वत अटे। तो आंडीज माउंटेन रेंज होची फोल्ड टाइप माउंटेन, फोल्ड टाइप
माउंटेन अटे। ऑप्शन बी हो चुका करेक्ट आंसर फोल्ड। आमर ओडिया रे कौन लिखा जाउछ ना भंगिळ पर्वतमाला भंगिळ फोल्ड टाइप माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी हो चुका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वाइ विच रिवर इज द सेटलमेंट सो सॉरी वाइ विच कलर इज द सेटलमेंट सोन ऑन द मैप। से कहि आमर जो मैप रे मानचित्र रे जनबसती एरिया को कौ कलर रे इंडिकेट करा जाए। तो जनबसती आमर जो रही जो आमर जो गाँ गाँ रोचे बस्ती रोचे जनबसती एरिया को आमर मानचित्र रे रेड कलर रे इंडिकेट करा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर रेड कलर। नेक्स्ट रही विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन ओडिशा हैज द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। से कहि ये अपन ओडिशा रो कौ प्लेस रे आमर एनुअल टेम्परेचर हाईएस्ट रोच टेम्परेचर हाईएस्ट रोच एनुअल टेम्परेचर रेंज आम हाईएस्ट रोच कौ डिस्ट्रिक्ट से झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर झारसुगुड़ा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच डिस्ट्रिक्ट सॉरी विच डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन सियाल एंड सीमा। सियाल एंड सीमा मध्य कौ डिसकंटिन्यूटी रही सियाल एंड सीमा मध्य डिसकंटिन्यू रही कौटा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी रही आमर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी अच्छी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी अच्छी मोहरविक डिसकंटिन्यूटी अच्छी तीन प्रकार अच्छे। तो से पचार सीमा एंड सियाल भितर कौटा रोचे ना कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर बी हो सटिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द यूनियन कैबिनेट इज रेस्पोंसिबल टू द आमर जो यूनियन कैबिनेट रही केन्द्रीय मंत्रिमंडल रही क्या पाखे उत्तरदायी अटंती रेस्पोंसिबल क्या पाखे से पचार। तो आम करेक्ट आंसर जी कौन ना लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिपकिला इज द फेमस माउंटेन पास ऑफ डैश। तो सिपकी आमर सिपकिला यहाँ गोटे प्रसिद्ध माउंटेन पास यहाँ कौ स्टेट अच्छे से पचार। सिपकिला माउंटेन पास आम रही हिमाचल प्रदेश में रही। ऑप्शन नंबर थ्री हो करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट रही महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम। से कहि 1930 मसीह महात्मा गांधी आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करथिले बा लॉन्च करथिले आईन अमान्य आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेटा कोठु स्टार्ट हेतिला सेटा हमर स्टार्ट हेतिला कोठी ना साबरमती आश्रमरु साबरमती आश्रमरु। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर साबरमती आश्रम। नेक्स्ट रही शिव समुद्रम वाटरफॉल इज ऑन द रिवर। शिव समुद्रम वाटरफॉलटा कौ नदी उपरे अछि एटा हमर कोठे अछि ना कावेरी रिवर। कावेरी रिवर हमर कावेरी एमती भी लिखिथिबो बेले बेले आपन के भी ई आर आई लिखाई थी आपने टेंशन लेवा नहीं बेले बेले आपन लिखुची का सी ए यू लिखी थी केवे केवे आपन के भी आर आई मध्य लिखी थी तो टेंशन नेवार नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कावेरी रिवर। नेक्स्ट रही आपन व्हेयर इन इंडिया डू अकर टेम्परेट फॉरेस्ट। से कहि भारतर केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए। चारिटा ऑप्शन रही ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स आरावली हिमालयस। तो आमर से कहि नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य आम कौटे देखा जोटी आमर अधिक वर्षा बा वृष्टिपात हो तो आमर हिमालयस देखा जाए। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सेस्मिक वेव डज मूव अप टू गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। से कहि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आड़क आमर क्यों भूकंप तरंगटी असंगति पर्यंत जाए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आड़क किए मूवमेंट करो सेस्मिक वेव। तो आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एस वेव। एस वेव फुल फॉर्म होची सेकेंडरी सेस्मिक वेव। आमर दुई प्रकार अच्छी प्राइमरी सेस्मिक वेव
पी वेव जो रही है प्राइमरी सेस्मिक वेव यहाँ कम दूरता पर्यंत रोचे आ सेकेंडरी सेस्मिक वेव यहाँ गभीरता पर्यंत जाए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस वेव सेकेंडरी सेस्मिक वेव ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच वन इज ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन ओडिशा केउंटी ओडिशा रे जलसेचन रो मुख्य उत्स अटे तो देखंतु आमर ओडिशा रो इरिगेशन पाई मेनली आमर फोकस करा जाउची कोठी ना वेल एंड ट्यूबवेल आमर कुओ एवं नलकूर अधिक मात्रा रे इरिगेशन आमर करा जाउची आमर गाँव बहुत गुडा बोरवेल खोला जाउची वेल रही सबूर आम ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर वेल एंड ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज कॉल्ड द मोल्टेन रॉक बिलो द अर्थ सरफेस से कह भूपृष्ठ निम्न अर्ध तरल शिला को कौन कह जाए भूपृष्ठ निम्न अर्ध तरल शिला को कह जाए कौन ना माग्मा कह जाए ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर माग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल से कहते निम्नोक्त द्वीप जोड़ी मध्य क्यों जोड़ी 10 डिग्री प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होती 10 डिग्री चैनल आम क्या क्या सेपरेट करना आंडामान एंड निकोबर आइलैंड को सेपरेट ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आंडामान एंड निकोबर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोज आर एक्सट्रीमली रेयर एंड मे अकर एट ए फ्यू लोकेशंस कॉल्ड से कहते अत्यंत विरल एवं केतक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउथिबा जीव प्रजाति को कौन कहा जाए अत्यंत विरल एवं केतक निर्दिष्ट स्थान रे मात्र देखा जाउथिबा जीव प्रजाति को कहा जाए कौन कहा जाए ना एंडेंजर्ड स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पेसीयस कहा जाए विपदग्रस्त प्रजाति बोली कहा जाए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर विपदगत प्रजाति। ए क्वेश्चन 2018 मसीह आसी 2021 यहाँ रिपीट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ व्हिच क्लाउड इज द थंडर स्टॉर्म एसोसिएटेड थंडर स्टॉर्म कहा सहित एसोसिएटेड से पचारि थंडर स्टॉर्म आमर क्या सहित जड़ित अटे क्यों मेघ सहित घूर्णी झड़ संबंधित क्यों मेघ सहित घूर्णी झड़ संबंधित अटे तो आमर कौन हम ना कलाहांडिया मेघ सहित घूर्णी झड़ संबंधित ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कुमुलो निम्बस क्लाउड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच टेम्पल वाज कंप्लीटेड बाय उद्यत केसरी तो से कह उद्योत केसरी के मंदिर निर्माण कार्य को संपूर्ण करते तो उद्योत केसरी को टेम्पल ना ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण कार्य को संपादना करते स्टार्ट करते माँ कोलावती देवी माँ होती कोलावती देवी से स्टार्ट करते कि कम्प्लीट कले पु उद्योत केसरी से कम्प्लीट करते तो ब्रह्मेश्वर मंदिर जहाँकि लिंगराज टेम्पल पाखे रही तार कार्य को निर्माण कार्य शेष करते उद्योत केसरी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ब्रह्मेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय व्हिच कलर द सेटलमेंट सोन ऑन द मैप ये क्वेश्चन टा दुई थर रिपीट होती है प्रथम क्वेश्चन टा मुझे देखे थी बर्तन पुणी रिपीट होती है देखिए आप क्वेश्चन को भाया वर्षे दुई वर्ष पर रिपीट होने जापर मानचित्र जनबसति के रंग द्वारा दर्शा जाए ये आम लाल कलर रेड कलर अलरेडी मुझे कही सारी रेड कलर आम इंडिकेट कराए यह क्वेश्चन बहुत रिपीट हो देखे आज क्वेश्चन टिके मात्र चेंजेस होकर रिपीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंग्लिश जनरल डिड डिफीट नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू से कहते वाटरलू युद्ध नेपोलियन को क्यों इंग्रेज सेनाध्यक्ष परास्त करते तो इंग्रेज सेनाध्यक्ष किए ना वेलिंगटन नेपोलियन को परास्त करते वाटरलू युद्ध ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर वेलिंगटन। नेक्स्ट रही आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम
एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देरिन से कहि आमर राज्य देछि एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देछि अभयारण्य देछि को जोड़ीटा भूल रही आपर बाछिक लेख मध्यप्रदेश सुंदरबन ओडिशा शिमिलीपाल राजस्थान रणथंबर उत्तर प्रदेश दुधवा तो कौटा आम भूल रही आम बाछिक लिखा तो देखु ओडिशा रे शिमिलीपाल नेशनल पार्क अच्छे ये ठीक अच्छे आ रणथंबर नेशनल पार्क रही राजस्थान रे ये भी ठीक अच्छे आ दुधवा नेशनल पार्क यहाँ उत्तर प्रदेश अच्छी ये भी ठीक अच्छे तीन टा जाक आम ठीक अच्छे किंतु सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ कौटी अच्छी ना वेस्ट बेंगल अच्छी वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगरे अच्छे कितु से मध्यप्रदेश लिखी से आपर यहाँ इनकरेक्ट अच्छी ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मध्यप्रदेश सुंदरबन इनकरेक्ट मध्यप्रदेश में सुंदरबन ना सुंदरबन नेशनल पार्क रही वेस्ट बेंगल तो ऑप्शन नंबर ए हो आम सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बाय हुज एफर्ट वाज ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी फॉर्म्ड से कहते कहार उद्यम ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होता चार ऑप्शन रही गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी मधुसूदन दास हरेकृष्ण महताब तो करेक्ट आंसर होची गोपबंधु दास का उद्यम ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होता से यार प्रेसिडेंट थिले आउ मधुसूदन दास गोपबंधु चौधरी गुड़ा मेंबर थिले से कमिटर मेंबर थिले तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइमस्टोन टा गोटे कौ प्रकार पत्थर उदाहरण से पचार लाइमस्टोन बा चुनो पत्थर एटा एम एम एन हम एम हो जा तो लाइमस्टोन बा चुनो पत्थर गोटे कहार उदाहरण अटे लाइमस्टोन होची गोटे सेडिमेंटरी रॉक ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट रही ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन टा को प्रकार माउंटेन से पचार तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन होची ब्लॉक माउंटेन ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट रही निम्नोक्त केउं शिलारे जैवाश्म मिलिबार संभावना नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स जीव मानकर अंश जहाँ जीवांश जैवांश कहते तो जैवांश मिलिबार कोथरी संभावना नाही जैवांश कोथरी मिले ना तो चार ऑप्शन रही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रानाइट ग्रानाइट रे जैव अंश बा जीव अंश आमर मिलिबार संभावना नाही ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ग्रानाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज एन इनलैंड सी या भितर कौटा गोटे अंतर्देशीय सागर से पचार इनलैंड सी कौटा ना ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर कास्पियन सी बा कास्पियन सागर को इनलैंड सी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर कास्पियन सी एटा 2016 आसीला 2016 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेर इन ओडिशा आर बोथ सुगर एंड सीमेंट फैक्टरीज लोकेटेड से कहते ओडिशार कौ जगार उभय चेनी फैक्ट्री एंड सीमेंट फैक्ट्री अच्छी बा चेनी कारखाना एंड सीमेंट कारखाना अच्छी तो आम करेक्ट आंसर होची बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ जिले में चीनी कल अच्छी सहित सीमेंट कारखाना अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर बरगढ़। नेक्स्ट रही व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टू डायमेंशियल ब्लूप्रिंट आमर आमर ब्लूप्रिंट उपरे प्रत्येक एग्जाम पचारूँ आप नॉर्मल सीडीपी सेक्शन रे पचारूँ आ पचार कौन ना आमर सोशल स्टडीज रो पेडागोजी पचार एस एस टी पेडागोजी पचार तो से कहे ब्लूप्रिंट रे आमर थ्री डायमेंशियल अच्छी से कहे टू डायमेंशियल जो रही तार दुईटा ऑब्जेक्ट उद्देश्य कौन बा परिसर कौन तो टू डाय ब्लूप्रिंट रो टू डायमेंशियल रो दुईटा परिसर होची कोटा से पचारी चार ऑप्शन रही क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट एंड डिफिकल्टी लेवल अल्टरनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव तो देखो ब्लूप्रिंट रे आपन कौन रोची ना ब्लूप्रिंट आपन रो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन रोची आउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऊपर फोकस करा जाउची तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव
तो प्रश्न और उद्देश्य ये दुटा हम आम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से कौन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बा बौद्धिक विकास कौटा उपादान नुहे बौद्धिक विकास केउंटी एक उपादान नुहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रे कोटा गोटे एलिमेंट ना से पचार चारिटा ऑप्शन रही क्रिएटिविटी टॉलरेंस थिंकिंग इमेजिनेशन। तो आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बौद्धिक विकास मैंने माइंड उपर ये तो सीटा आम क्रिएटिविटी जाऊ थिंकिंग इमेजिनेशन ए तीन टा हूँ आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो एलिमेंट अटे किंतु टॉलरेंस सहन शक्ति यहीटा आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो एलिमेंट नुहे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर व्हाट इज द ट्रायल एंड एरर मेथड मोर इफेक्टिव से कौन कौन आमर प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद कौन से पचार कलेक्शन डाटा मेमोराइजेशन ऑफ लेसन्स अराइविंग एट कंक्लूजन अचीवमेंट ऑफ स्किल। तो आमर ट्रायल एंड एरर मेथडटा आम अधिक फलप्रद कहीं अराइविंग एट द कंक्लूजन माने आम अनुसिद्धांत पहुँची पार्बा प्रथम आम ट्राए करवा से भूल होमर पुणी थे आम ट्राए करवा अलग ढंग से आम देखा ये एमती कल भूल है तो सीटा छाड़ी अन्य ढंग से वे आम ट्राए करवा फिर से आम पर आउ कि डिफल्ट रहा फिर ट्राए कर लास्ट आम जहाँ मानते जोटा चाहूँ से अलरेडी सक्सेस तो यहाँ कहुए आम अनुसिद्धांत पहुँची पार्टी ट्राए कर भूल होपर ट्राए कर भूल हो शेष कनक्लूजन को पहुँची पार्टी ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट स्कोर्स टेस्ट स्कोर्स से कौन आमर जो रही स्टैंडर्ड टेस्ट बा गुड टेस्ट तार लक्षण भितर कौटा कौटा आमर कौन कर सुसंगति को सूचित करुच्छी लब्धांत मान सुसंगति को आमर सूचित करुच्छे सुसंगति मान तार जो लब्धांक कनसीस्टेन्सी रोच स्कोरटा सेम रोच स्थिर रोच कौ प्रकार ईरे से पचार कौ प्रकार तो देखते आमर गुड टेस्ट रही स्टैंडर्ड टेस्ट रही कही आपको स्टैंडर्ड टेस्ट दे कि आपको गुड टेस्ट बोली गुड टेस्ट बोली तार आम चारिटा ऑब्जेक्टिव अच्छे आपची ए मेनसन करमर वैलिडिटी अच्छी जहाँ ओडिया वैधता कह जाए रिलायबिलिटी अच्छी विश्वसनीयता कह जाए यूजाबिलिटी कही उपयोगिता कह जाए ऑब्जेक्टिविटी कही वस्तुनिष्ठता कह जाए यह चारिटा पॉइंट मन रखु एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहा बहुत फोकस करके एग्जाम बहुत क्वेश्चन पचार आपटा ऑप्शन देते गोटे अलग देखा को आम बाछिक लिखा कौटा गोटे तार क्यारेक्टर नुहे से पचार गुड टेस्ट गुड टेस्ट बा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौटा गोटे क्यारेक्टर नुहे से पचार ए चारिटा भितर तीन टा ऑप्शन देखिए गोटे अलग से अलग टाक आम बाछिक लिखा तो ये चार्टा मन अच्छे आप जानपारे तीन टा सेम होटा अलग भिन्न लगुच्छी से फाइन से टिक करवा तो से कहते हैं कनसीस्टेन्सी आमर स्कोरटा सब सामान होने कर देखो आप जनवरी मसरे अष्टम क्लास पाला मैथ एग्जाम कले शहे मार्क एग्जाम कले तो जनवरी मसे शहे रू के रखिले ना शहे रू नबे रखिले पाने पुणी आम कौन कले ना जून मसरे एग्जाम कले से ही शहे रू नबे एकानबे रखिले पुणी डिसेम्बर कले आम से ही एग्जाम कले से ही पिला पुणी से शहे रू नबे अणानबे किंवा एकानबे रखुच्च मैंने से मानकर जो स्कोर रोच मार्क रोच प्राय सेम रोच से शहे रू जत थर कले भी सेम रोच मैंने स्थिर रोच से कहुए कौन ना रिलायबिलिटी कहुए रिलायबिलिटी कहुए तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर विश्वसनीयता कनसीस्टेन्सी वार्डटा शुणिल मान बिंदास मारे सीटा रिलायबिलिटी होप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री इन ज्योग्राफी टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू
ए क्वेश्चन टा मुझे डिस्कसन करी आपको नेक्स्ट वीडियो रे फास्ट वीडियो रे डिस्कसन करी कि आपटा होमवर्क देली होमवर्क देली तो यार आंसर मुझे रखुच्छी एग्जाम पर इम्पोर्टेन्ट रोत पिला करेक्ट आंसर दे तो देखु से कही भूगोल संवेदन पद्धति दृष्टिकोण केउटा अन्य तीन ठार भिन्न से पचारि तो आम स्टडी टूर फिल्ड ट्रिप और एक्सकर्सन ये आप देखी पार्टी ए तीन टा देख आम सेम रही कि क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन यहीटा आप इनडायरेक्ट आम कर डायरेक्ट आम डायरेक्ट आम युवक आम ज्ञान पाँच इनडायरेक्ट ये तीन टा प्रत्यक्ष यहाँ परोक्ष क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन स्कूल श्रेणीगृह टीचर डेमोनस्ट्रेसन देखेबे तो यहाँ अलग रोच तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन हूँ भिन्न यहीटा समस्त प्राय पिला करेक्ट आंसर देते से समस्त को थैंक्स तो नेक्स्ट देखा यही क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन को लेकिन आप नेक्स्ट ईयर में आउ गोटे क्वेश्चन आसी आप देखिए आपने फाइंड आउट करेंगे जे तीन टा ऑप्शन ठीक अच्छे खाली यही ऑप्शन टा से चेंज कर तो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन रही मोस्ट इंपोर्टेंट रोच खाली ये ऑप्शन से चेंज कर बाकी सब सेम रखी आपको यही वीडियो ही आम देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग यह सब आम पेडागोजी क्वेश्चन यह सब क्वेश्चन आम कौन ना पेडागोजी क्वेश्चन सोशल स्टडीज पेडागोजी क्वेश्चन तो से कही व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी इज प्राइमरली पुपिल सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड तो भूगोल शिक्षादान क्यों पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे शिक्षार्थी पुपिल सेंटर्ड से पचार तो पुपिल सेंटर कौटा आमर डिस्कशन रही इलस्ट्रेसन रही प्रोजेक्ट रही डिस्क्रिप्शन रही तो पुपिल सेंटर्ड माने जो थे पिला माने इनवॉल्व रुहंती एक्टिव रुहंती तो करेक्ट आंसर जो प्रोजेक्ट बा प्रकल्प प्रोजेक्ट मेथड हूँ साधारणतः चाइल्ड सेंटर्ड अटे बा पुपिल सेंटर्ड अटे बा शिक्षार्थी केन्द्रिक अटे ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट मेथड नेक्स्ट रही ऑन व्हिच रिवर इज द पाटोरा डैम बिल्ट से कहे पाटोरा डैमटा आमर कौ नदी उपरे निर्माण करा जाएगी पाटोरा डैम आमर जंक रिवर उपरे निर्माण करा जाएगी जंक रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डिड फॉर्म द स्वराज पार्टी किए यू गठन करते क्वेश्चन आपर आसी प्रीवियस एग्जाम ओटीटी अलरेडी आसी कि से ना देखे ना देखिए से आए मोडिफाई करके पचारि तो आम स्वराज पार्टी किए गठन करते तो आम करेक्ट ऑप्शन आप देखुं मिलिटेंट नेशनलिस्ट खिलाफतिस्ट प्रो चेंजर नो चेंजर तो यू किए करते ना प्रो चेंजर्स मैंने यू परिवर्तनगामी गोष्ठी यहाँ को गठन करते किए अच्छा एम सी आर दास अच्छा चित्तरंजन दास अच्छा मोतीलाल नेहरू अच्छा सब अच्छा तो प्रो चेंजर आमर जो नेक्स्ट पूर्व वर्ष जो एग्जाम पचारे पचारा आम स्वराज पार्टी किए गठन करते सी आर दास देता मोतीलाल नेहरू देता सुभाष चंद्र बोस देता और बोथ ऑफ ए एंड बी देता तो आम करेक्ट आंसर हो एंड बी आम सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू कितु ये से कही प्रो चेंजर टिके डिफिकल्ट लेवल को सी नहीं तो प्रो चेंजर में सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू अच्छा से मैंने स्वराज पार्टी को गठन करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वाज द लास्ट फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कौच क्योंटी भारत स्वाधीनता संग्राम शेष पर्याय लास्ट रामर होता तो देखो चार ऑप्शन रही चंपारण मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगस्ट रिवॉल्यूशन तो आम लास्ट कौट होता है देखो चंपारण सत्याग्रह ये आम फास्ट सत्याग्रह जहाँकि 1917 मसीह तापर आमर आसी सिविल आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आसा 1920 आसीला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन तापर आमर होता 1930 कौटा ना 1930 मसीह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन 1930 आ सबा लास्ट होता आमर अगस्ट विप्लव अगस्ट रेगुलेशन 1942 अगस्ट मसला से जो यू आमर जो यहाँ कौन ना यू कह जाए क्विट इंडिया मूवमेंट कह जाए तार अदर ना हूँ अगस्ट रेगुलेशन 1942 मसीह क्विट इंडिया मूवमेंट होता क्विट इंडिया मूवमेंट होता
आमर जो भारत छाड़ आंदोलन, भारत छाड़ आंदोलन क्विट इंडिया मुवमेंट जहाँ ओडिया कह जाए भारत छाड़ आंदोलन से 1942 मसीहा अगस्ट मसपे आपको अगस्ट रिवल्यूशन कह जाए। क्विट इंडिया मुवमेंटर अदर नेम हूँ अगस्ट रिवल्यूशन, ये 1942 तो यहाँ लास्ट स्टेज रे कोटा हिला 1942 हिला 1947 रे आम देश स्वाधीनता पाई। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक आंसर अगस्ट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हुज प्रियर परमिशन इज नेसेसरी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। से कहते अर्थ बिल संसद में आगत होगा आगर कहार अनुमति आवश्यक। अर्थ बिलटा आमर संसद में आगत होगा आगर राष्ट्रपति अनुमति निहाती आवश्यक अटे। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय व्हिच रिवर वैली इज द साउथ इंडियन प्लेट्यू बाइफर्केटेड इनटू टू सेगमेंट। से कहूँ जे आमर जो क्यों नदी उपत्यका द्वारा दक्षिण भारत मालभूमि को दुई भाग में विभक्त करिछि, महानदी, नर्मदा, गोदावरी ना सोन, कौ रिवर वैली साउथ इंडियन प्लेट को दुई भाग में विभक्त करिछि, से होछि नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर कौन करिछि ना दुई भाग में विभक्त करिछि, गोटे होछि सेंट्रल हाइलैंड आ गोटे होछि डेक्कन प्लेट। ए दुईटा को दुई भाग में विभक्त करिछि नर्मदा रिवर। तो ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर नर्मदा रिवर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गला हमरो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन इज नॉट कैश क्रॉप। कोटा गोटे अर्थकारी फसल नुहे, अर्थकारी फसल कोटा नुहे से पचार सुगर कैन, मेज, कॉटन, जूट। तो देखो तो आमर क्या अर्थकारी फसल माने आम केवल पैसा करिया पे आम जो फसल लगे था आखु गोटे कपा गोटे झोट एगुटा आम पैसा कमेपी आम कर मका आउ आमर मेज है मक्का, राइस, चाउल, आउ व्हीट, गहम एगुड़ा आम खाइबापी करूँ आमर खाद्य शस्य जातीय अटे। एगुड़ा आमर नॉट कैश क्रॉप, मेज, राइस, व्हीट एगुड़ा आमर कैश क्रॉप नुह। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर मेज बा मक्का। ऑप्शन नंबर बी हम आम सठिक आंसर, बाकी तीन टा आमर अर्थकारी फसल अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ब्लॉग। सॉरी ऑन ए ब्लॉग कहीदेली ग्लोब। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब। ग्लोब्रे निम्नलिखित मध्य कौटा को आम ठीक भाव सठिक भाव दर्शा जाई पारिबो ना आम दर्शे पारिबा ना कौटा को ग्लोब्रे सठिक भाव दर्शे पारिबा ना। तो ये आमर चार ऑप्शन रही स्मॉल लैंडफॉर्म, डायरेक्शन, लोकेशन, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो देखो ये आमर करेक्ट आंसर है स्मॉल लैंडफॉर्म गुड़ाक जहाँ को ओडिया कह जाए क्षुद्र भूमि रूप युवा आप ग्लोब्रे एकदम छोटिया ग्लोबा के छोट ग्लोबारे आम एकदम छोट एरिया देखेबा प्रॉपर्ली देख पारा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर स्मॉल लैंडफॉर्म कैनॉट बी प्रॉपर्ली शोन ऑन ए ग्लोब। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर स्मॉल लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्टी एंड टाइम टेकिंग टू प्रिपेयर बट इट्स इवैल्यूएशन इज क्विक, करेक्ट एंड इजी। तो देखो चार ऑप्शन रही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओडिया रे मते मेंशन रही आप क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल एवं समय सापेक्ष किंतु मूल्यायन द्रुत निर्भुल एवं सहज होता है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत रिपीट होती तो यार करेक्ट आंसर होची मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। आमर जो बहु विकल्प मूलक प्रश्न प्रस्तुत करिवार जटिल एवं समय लगुच किंतु यटा को आमर जो इवैल्यूएशन करा जाउछ मूल्यांकन करा जाउछ फटाफट आमर मूल्यांकन होता काहे ना यार फिक्स आंसर थी तो आराम से फटाफट करियबो आ लॉन्ग शॉर्ट टाइप आंसर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर दीर्घ लॉन्ग टाइम आंसर एगुड़ा पई समय लागिबो समय अधिक लागुच ता सहित आपमनकर एथरे किछि भूल भटका रहिबो किंतु आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे आमर कम समय रे
आम इवाल्युएसन करेक्ट कर सहजे आम मूल्यायन हो पार कि क्वेश्चन बनैबार समय लगे आ जटिल हो तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर बहु विकल्प मूलक। नेक्स्ट रही इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज चिल्ली एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड से कहते ओडिशा रो केउ जिले में बहुल भाव लंका चाष करा जाए एडा इजी क्वेश्चन समस्ते जानते घरे घरे जानते आम गंजाम जिला आम जिला गंजाम जिले में आम बहु मात्रा रे आमर लंका कंचा लंका बा लंका मरीच आमर चाष करा दे एटा समस्ते जानिछन समस्त घर बारी रे मध्य थिबो आमर लंका गछ तो गंजाम जिला ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर गंजाम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए थ्री डायमेंशनल ब्लूप्रिंट तो कोटा गोटे थ्री डायमेंशनल ब्लूप्रिंट रो कंपोनेंट नहो ए क्वेश्चन टा देखो ए क्वेश्चन मु आपन काली को यार पूर्व वीडियो रे आमर पार्ट टू रे आम करथिले पार्ट वन रो मध्ये क्वेश्चन करथिले किंतु एथरे आमर खाली ऑप्शन गोटे ऑप्शन चेंज हेछि गोटे ऑप्शन चेंज हेछि मन रखंतु आमर चारिटा ऑप्शन दैछि सेथिरे तीनटा तार रहिछि कंपोनेंट रहिछि गोटे अलगा रहिछि सेटा को आपन देखिबे अलगाटा को देखिबे तो देखंतु आमर क्वेश्चन फॉर्म्स माने क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रश्नर प्रकार भेद एटा को फोकस करा दउछि ब्लूप्रिंट रे वेटेज दिया जाउछि तापरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेटेज आमर कौन ना पूर्व जो क्वेश्चन थिला सेथिरे वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव वेटेज टू क्वेश्चन फॉर्म्स टाइप ऑफ क्वेश्चन वेटेज टू लर्निंग कंटेंट ये वेटेज खाली लगे मैंने गुरुत्वटा लगे से काटी कारण शॉर्टकट शॉर्टकट रे से दे दीजिए तो आप टेंशन ने मैंने कहल आपको खाली ठीक से सी किटा चेंज ओवर करके दौर तो ये तीन टा जाक आप क्वेश्चन रकार भेद आम पांच मार्क आसो दस मार्क आसो एक मार्क शून्य स्थान पूरण कर रोचे क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आम ब्लूप्रिंट कंपोनेंट जाऊ लर्निंग ऑब्जेक्टिव फोकस कर शिक्षण उद्देश्य उपरे आउ कंटेंट आमर जो शिक्षण विषय वस्तु बा कंटेंट उपरे मध्ये फोकस करा जाउछि ए तीनटा आपण हम कहिथिली जे आमर टाइप ऑफ क्वेश्चन बा क्वेश्चन फॉर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउ लर्निंग कंटेंट ए तीनटा होछि थ्री डायमेंशनल रो ब्लूप्रिंट रो कंपोनेंट अटे किंतु लर्निंग लेवल सेमती किछि नाही तो ऑप्शन नंबर डी हिज आमर करेक्ट आंसर शिक्षण स्तर सेमती किछि नाही तो ऑप्शन नंबर डी आमर करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड्स तो कौ जोड़ीटा आमर भूल रही आम बाछिकी लिखा बणाई द मांकड़ नाच केउंझर द नियमगिरी पालाहाड़ द मलयगिरी सिमिलीपाल द मेघासन तो ये आमर कौटा भूल अच्छे देखूँ आमर मेघासिनी रु सिमिलीपाल रही ठीक अच्छी आउ मलगिरीटा पालाहाड़ यहाँ भी ठीक अच्छी आउ मांकड़ नाच आम बणाईटा अच्छे यहाँ भी ठीक अच्छे युवाक आमर कौन ना इंडस्ट्रियल एरिया युवाक इंडस्ट्रियल एरिया ओडिशार फेमस इंडस्ट्रियल एरिया किंतु नियमगिरी हिल मत गोटे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ आमर कौट अच्छी ना आमर रायगड़ा एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट मझीरे अच्छी आम न्यूज़ में शुनी 2019 आम जो कोरोना आसीला कोविड 19 आसला 2019 से नियमगिरी हिल रे जो डोंगरिया कंध लोक रोते से आमर कोरोना हो जाता तो न्यूज़ रे आसीला से इम्पोर्टेंट रहा यहाँ आम रायगड़ा एंड कलाहांडी जिला मझे रोचे आम रायगड़ा टिक मारे कि कलाहांडी आम टिक मारे कि केउंझर दे तो केउंझर हेनी यहाँ रायगड़ा एंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट मध्य नियमगिरी पर्वत अच्छी आई डोंगरिया कंध मैंने रोते आ 2019 कोरोन अफेक्टेड होते से न्यूज़ तो यहाँ आम केउंझर जिले में ना ही यहाँ आम बेसिकली कलाहांडी मोस्ट अप्रोप्रिएट होची कलाहांडी नचे आपर कोरा सॉरी रायगड़ा हम ए दुटा ऑप्शन थिले आमर हेथा किंतु केउंझर जिले में नियमगिरी हिल ना तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो ये जोड़ीटा आमर भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग ज्योग्राफी तो देखो भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टि निम्नोक्त मध्य केउटा अन्य तीन टू भिन्न मुझे जो होमवर्क देखी से ही क्वेश्चन टा डिटो ये पकईदी खाली गोटे ऑप्शन से चेंज कर देखने मत जापारे तो आमर थी पूर्वर कौन थी ना आमर ये स्टडी टूर थी ये ऑप्शन टा ठीक
फिल्ड ट्रिप अच्छे एक्सकर्सन अच्छे बी रे खाली से चेंज कर देखो ये एजुकेशनल एक्जिबिशन से कौन थी ना क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन भी से खाली यही बी ऑप्शन से चेंज कर देती बास से काटि ये से पेस्ट कर देती आमर कौन ना क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन पेस्ट कर 2016 गोटे आसाला से 2014 आसते क्वेश्चन 2016 से रिपीट कर खाली गोटे ऑप्शन चेंज करके तो आपन मन रखिए ये तीन टाइप जानते बहुत पिला तो सी क्वेश्चन आंसर देते क्लासरूम डेमोनस्ट्रेसन करेक्ट देते भिन्न वाली तो यहाँ एजुकेशनल एक्जिबिशन यहाँ अलग अच्छे बाकी तीन टाइम जाक सेम रही तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर एजुकेशनल एक्जिबिशन ऑप्शन नंबर बी तो आप जानते आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन केते इंपोर्टेंट रहुछि। नेक्स्ट रही आज लास्ट क्वेश्चन देखा आज लास्ट क्वेश्चन रही द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा इज कॉल्ड यहाँ आम जो 2022 मसीहा लाटेस्ट स्पेशल ओटीईटी होता आम जो रही आम टीचर मानी तो से एग्जाम आसी क्वेश्चन स्पेशल ओटीईटी एग्जाम क्वेश्चन द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा इज कॉल्ड तो गंगा नदी हेड वाटर्स को कौन कहा जाए से पचार कौटा से पचार तो करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी भागीरथी भागीरथी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज आम ये टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन कले आपटा 50 के स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाति भावे जनइबे जदि भिडियो भल लगुच्छी तेल निहत गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकु निहाति भावे शेयर करेंगे आउ जो माने आम चैनल रे नुआ अछंती चैनल को निहाति सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आप माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे आउ इंपोर्टेंट पॉइंट को रखुछि जदि आप माने भलसे प्रिपरेशन करय चाहौ छंती ताले हमरो यूट्यूब चैनल रो चैनल प्लेलिस्ट को जानतु सेठी हमरो ओटीटी रिगार्डिंग 4टा प्लेलिस्ट रहिछि सेथिरे कम से कम 400 क्वेश्चन अच्छे अपने से प्लेलिस्ट को जानतु अपन को बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स एथरे किछि इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आप शेयर कली तो आमर टेलीग्राम चैनल रही टेलीग्राम चैनल लिंक ये वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपन पाई जिबे सेठ जाय जॉइन करंतु आपनको विभिन्न आमर एजुकेशनल अपडेट बा इनफॉरमेशन रो जानकारी पाई परिबे ता सहित किछि इंपोर्टेंट अपडेट आमर पीडीएफ माध्यम अपडेट करूछि जहाँकि एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कशन करवा आज ही आज नेक्स्ट वीडियो आप रही पेडागोजी क्वेश्चन एग्जाम पर इंपोर्टेंट पेडागोजी बोथ पेपर वन एंड पेपर टू मिक्स करके आनी जहाँकि एग्जाम पर इंपोर्टेंट रो तो यही जो पेडागोजी सेक्शन टा मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स जमार भूलिबे नि पेडागोजी क्लास आप खूब शीघ्र गोटाए घंटा पर आपलोड हे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।